पंजाब भर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई मामले सामने आते रहते हैं, पर दोषियों के कार्रवाई के नाम से सिर्फ लिपापोची ही की जाती है। इसे तरह ही सोशल मीडिया से एक वीडियो बड़ी तेजी वायरल हो रही है, जिस विच एक नवी NRI जोड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच लावा लैण तो बाद गुरु साहिब के सामने ही कुर्सियां ते बैठते दिखाई दे रहे हैं। नाल ही रागी भाई भी शब्द गायन करते नजर आ रहे हैं। हुण इत्थे सवाल यह खड़ा हुंदा है कि एक पासे तो भाई अमृतपाल सिंह गुरद्वारा साहिब विच लगियां कुर्सियां नूं तोड़न की गल करते हैं, तो NRI जोड़ी वालों लावा लैण मौके गुरु साहिब के सामने ही कुर्सियां ते बैठण के मामले में क्यों चुप हैं। इस मामले में हुण तक SGPC के प्रधान जां होर किसी सिख जथेबंदी का बयान सामने नहीं आया। वायरल हो रही पंजाब दे ही किसी गुरद्वारा साहब की वीडियो जापदी है, पर असल में यह वीडियो कित्थों दी है इस गल की पुष्टि हाले तक नहीं हुई। यह सारे मामले नूं लैके संत सिपाही सोसायटी लुधियाने के मुख सेवादार भाई दविंदर सिंह खालसा ने विरोध प्रगट किया है। उन्होंने सिख जथेबंदियों और SGPC के प्रधान से भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने होर की कहा, आओ तुसी भी सुनो जे न्यूज पंजाबी लई लुधियाणा तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। सर एक वीडियो वायरल हुई है, उसके बारे की कहना चाहते हो, जो बेअदबी कर रहे ने मारी? सब तो पहला संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो गल इस तरह वीर जी के ये बेअदबी नहीं, बहुत वड्डी बेअदबी आ और शरेआम ये बेअदबी आ। अज मैं उन्होंने पूछना चाहना वा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अज बहुत वड्डा सवाल चुकया जा रहा कि असी सारे ही गुरु दियां गल्लां जां गुरु दी गोलक खाण तक सीमित रह गए हैं। सब तो पहला तो मैं पूछना चाहना वा, ये वीडियो जिथे तक बनी है गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट कमेटी प्रधान साहब जां ग्रंथी सिंह आ जां रागी सिंह आ कि गल तुहाडियां ते कम से कम जुबाना जिहड़ियां वा ओह खुल सकदियां सी कि नहीं? दूजा सवाल लाड़ी ते लाड़े ते आ जांदा कि गल तुसीं इन्ने ही मनमत हो गए हो कि गुरु नूं सिर्फ एक किताब जाणिया, तुसीं सिर्फ उन्हां नूं लावा लैण तक सीमित रह गए। ओह प्रतख गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहब जिंदी जागती जोत आ। तीजा सवाल आ जाता वा भी उत्थे जिहड़े बैठे लोग ने वीडियो तक बढ़ा के तां किसी ने सेंड कर दिती, पर हा दा नारा नहीं किसी ने मारिया कि शरेआम बेअदबी है। सो अज पंजाब पंजाबीयत दा तुसी आप खुद सरदारो बहुत वड्डा कान कर रहे हो। तुसी गुरु की मर्यादा नूं मैं कहना आए दिन तुसी जिहड़ा वा छिक्किया ते टंग रहे हो। तुसी मॉडर्न अपने हैगा कि मॉडर्न सिख अजकल दे मॉडर्न दे नां दे उत्ते तुसी आए दिन मैं कहना गुरु की जिहड़ी मर्यादा वा ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ NRI-ਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ NRI ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ देखो वह चीज ना इस तरह वा कि जे तो कोई अंगहीन बंदा वा जो कोई मान लो कोई 6 महीने तक बैड से पिया वा, आस्था होंगी कि मैं गुरु घर जावा दर्शन करा, हो सकता वा वह दर्शन के नाल ही किसी वेले परमात्मा जी कृपा करता वा कि वह ठीक हो जाता वा, वह बंदे तक तो आप सीमित हाँ। पर जे इहो जे नौजवान यार जे लख लख डेढ़ लख के शेरवानियां लहंगे पा के शरेआम कहिंदे साडे गोडे दुखदे आ ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ दे सामने फेरे तक करदे ने की गल हूँ झुक लगा शर्म आंदी है, यहोजे बंदियां दी लत्तां तोड़नियां जिहड़ियां वा ओह बनदियां वा। इस गल नूं मैं जिहड़ा वा अमृतपाल दे नाल आ।